कि पांडव माने अज्ञातवास यही आम गणेशरपुर स्थित जगार से करते कौन ना पंचुपाण्डव बोली गोटे जगह अच्छी पांचटी मंदिर थिला मझीरे नारायण रही पंचुपा पांच भाई थी सीए जाकर आमर जो जो तारेश्वर शुभलिंग ताखे से पूजा अर्चना किए कुंती निजे जाए शहे आठ स्वर्ण चंपा चढ़ते प्रत्येक दिन लोकलोचन को जिते आसगला से जान लें जय जगन्नाथ जय पंचसखा जय ओडिशा। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु मु कल्याण आपण मानक स्वागत करुच्ची पुणी एक पवित्र मालिका बनीत प्रसिद्ध शनिश्चर मंदिर को जहाँ रही जलकार पादेश टांगी आसूँ टांगी कटक डिस्ट्रिक्ट मध्य आसूँ आपड़ क्या पचारे जलकार पादेश शनि मंदिर कहले शनि मंदिर को लोक मैंने चिन्हती आपण मानक आम से पवित्र शनि शनिश्चर आज शनिवार दिन आज शनिवार दिन में यही पवित्र शनिदेव दर्शन कराइबू एवं यही शनिदेव जहाँ महिमा अच्छी से विषय भी आपण मानक जनइबू एवं यही पीठ से कौन कौन अलौकिकता अच्छी से विषय भी आम जनइबू कारण ये पीठ से अच्छा पूजक मैंने से मैंने आम सहित जोड़ी गले आम सहित वार्तालाप करवा मालिकार कौन वर्णना कराई पीठ विषय कौन वर्णना कर पीठ महिमा कौन अच्छी कारण बहुत प्रसिद्ध बहुत अलौकिक महिमार भरा अच्छा शनिदेव जेकोसी लोक मानसिक करती ये स्थान गोटे गुआ बस कि मानसिक कले सुनिश्चित भाव में मानसिक पूर्ण हुए यह दृढ़ विश्वास अच्छी पाख आख लोकंर एवं बहुत श्रद्धालुंर लक्ष लक्ष श्रद्धा यही स्थान को आसती जिते वार्षिक उत्सव हुए। दर्शक बंधु आपण मैंने देखु जो वीडियो माध्यम रे आम मित्र शुभेन्दु आपन को देखा चतुर्पार्श्व देखा ये चतुर्पार्श्व देखिपे के बड़ बड़ बरगछ अच्छी जो बरगछ गुड़िक देखिपे एपरी बरगछ अनेक गुड़िया बरगछ गोटे नुह तीन चारोटी बरगछ अच्छी संपूर्ण वातावरण शांत वातावरण मध्य विराजमान कर शनि महादेव शनिदेव विराजमान कर शांत वातावरण मध्य देखुए प्राकृतिक सौंदर्य भरा अच्छी पीठटी देखिपे किप सौंदर्यपूर्ण अच्छी एवं शांत परिवेश मध्य आमर अच्छा शनिदेव विराजमान करें से गर्भगृह गृह भितर को प्रवेश करवा कि दर्शक बंधु तापूर्व आम कह रखु यही जो स्थान में गोटे अलौकिक वृक्ष अच्छी जोटा कि गोटे आंब वृक्ष गोटे वृक्ष तीन प्रकार फल फले वर्तमान आम से दिव्यपीठ को जी शनिदेव दर्शन करवा कृपा सानिध्य लाभ करवा एक दुर्लभ दृश्य एक विरल दृश्य एक पवित्र दृश्य आज आपण मान सम्मुखें आम प्रस्तुत करुचु एठारे शनिदेव विराजमान करिचंदी क्यों काल विराजमान करें पचारि बुझा बर्तमान दर्शक बंधु वर्तमान आम जो विजुअल मध्यम देखाऊ आपण को जो जो आंब गच्छी देखुं जो आंब वृक्षटी अच्छी ये तीनोटी ही शाखा अच्छी तीनोटी शाखा मध्य ये आंब वृक्षटी अच्छी से शनिदेव पाखे ही अच्छी ये वृक्षर महिमा हूँ कि तीन प्रकार फल फले गोटे आंब गच्छ कितु तीन प्रकार आंब फले जहाँ प्रमाणित अच्छी ताकि पचारि बुझा जो अच्छा आम पूजक अच्छा ताकि पचारि बुझा ये जो पाखटा देखाऊ पछपाख देखाऊ जो आंब वृक्षटी अच्छी आंब वृक्ष पछभागटा पछभाग देखते किपर विर दृश्य देखा मित्र शुभेन्दु आपको देखा ये एक देखु ये मूल मूल रूपर पर्यटन आम देखाऊ आम एक विरल दृश्य अलौकिक दृश्य आसत दर्शक बंधु बर्तमान आम से शनिदेव दर्शन करवा कृपा सानिध्य करवा देखते किपर विराजमान शनिदेव यही स्थान विराजमान काल विराजमान किपर सुसज्जित विराजमान होती प्रथम थर पर आम ग्रेट ओडिशा चैनल आपखे शनिदेव दर्शन करा दर्शक बंधु आपण मैंने विरल दृश्य अलौकिक दृश्य दिव्य दर्शन करूँ आज शनिवार दिन आज शनिवार दिन में आपण मानक आम प्रथम थर पर आम ग्रेट ओडिशा चैनल आपंक दर्शन कराऊँ शनिदेव दर्शक बंधु आपन को कही रखुच्छे जदि आप आम भिडी भल लगुच लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे कमेंट कर कहे आज भिडियो किपर लगेगा किसी समय मध्य आम वार्तालाप करवा जो पूजक अच्छा साधु अच्छा स्थान में आम संपूर्ण विवरणी नवा कि कौन लीलाखेला आगू हम कौन ये स्थान में
महिमा अच्छी शनिदेव सहित आम विस्तृत रूप से वार्तालाप करवा कि पूर्व यही दिव्य दर्शन यही पवित्र दर्शन आप करनी शनिदेव यही स्थान विराजमान कर भक्त को अनेक बसी सब मनवांछा पूर्ण करे भी जो भक्त जो मन मनसारे आसे तार सुनिश्चित भाव से मनवांछा पूर्ण करती ओम शनिश्चराय नमो ओम शनिश्चराय नमो ओम शनिश्चराय नमो। दर्शक बंधु आम सहित जो पीठर जो अच्छा पूजक सी आम सहित जोड़ी गले आम तर पचार बुझा यो पीठर महिमा कौन रही अलौकिकता कौन अच्छी जेहेतु आज गोटे शनिवार दिन शनि महाराज ये स्थान में विराजमान कर पचपटे अच्छा भाईना आपको स्वागत आम ग्रेट ओडिशा चैनल को। ये जो पीठटी अच्छी ये पीठर कौन किंवदंती अच्छी आ मालिकार भी वर्णना कराई कौन सब बनाए दर्शक बंधु कह आज्ञा ये आम प्राय 55-60 वर्षर पीठटी ये प्रथमे आमर जंगल भावलिया पड़ रही था यू जड़े आमर लुणिया घर लोक ताकू स्वप्नाघात है तार पिलापिली किसी नथिले सी कबाट बंधु जाई गोटे गुआ आनिला गुआ आनी गछमूल स्थापन कला प्रभु निर्देश थिला जहाँ फल तार मनस्कामना पूर्ण होला सी कौन कला आस्ते आस्ते ये कौन कला पूरा विग्रह स्थापन कले विग्रह स्थापन आमर जो अच्छी जे अक्षय तृतीया पर जो शनिवार आमर पीठर हूँ वार्षिक दिन बा शनिश्वर यज्ञर दिवस से दिन से मैंने आसी ये पणा भोग करती आस्ते आस्ते कौन कला ना ये पीठ से बहुत दूर रू लोक आसिले दूर आस मनस्कामना कले जे जार मनस्कामना पूर्ण कलापर ये आस्ते आस्ते डेभलप होगा तापर आपको कौन कला जिते बढ़ला से लोकचक्षु को आसीगला लोकचक्षु से तार कार्यक्रम अलग कर आमर ब्लॉक स्तर को पलिगले ब्लॉक स्तर वीडियो आपको वर्षे बुझे सरपंच वर्ष सारा आर तत्वधन करेंगे आम पल जाए किए ना पंचायत को नहीं या ठाकुर कर ठाकुर प्रतिदिन पूजा अर्चना ऋतु मुताबक हो चारज ब्राह्मण निजुक्त होती जन बारिक निजुक्त होती आमर जो दिन हुए चैत्र पूर्णिमा चैत्र पूर्णिमा पर आमर पाली आरंभ हुए के शनि पाली रे प्राय प्रत्येक दिन प्रति पाली उपचार जनित पूजा है षोडश उपचार पूजा है आम ठाकुर पूजा विधान हुए लोक मैंने शह शह आसिक पहुँचती भक्तजन गहलपर पांच पाली पर शेष पाली दिन गोटे प्रोग्राम हुए आमर फंक्शन जमी हवा कथा ये पुलिस मैंने आसती बहुत लोक समागम पुलिस न आसिले हो पार नहीं से पुलिस भी संगम समागम हो पंचायत नेला ठाकुर जो आम गेट टी होगा एवं आहरी आगे गोटा विग्रह तोरण यापरी चलीजे मालिकार कौन वर्णना कराई पीठ विषय को मालिकार है आमर है जलका स्थित पीठ ये जलकार आम 1352 गुंफा अच्छी प्रकटित किंतु है जितेटी अच्छी से मालिका पीठ 752 कौन हाँ 752 पीठ अच्छी सेमती गोटे गोटे आम बाहर गोटे है मणिनाग गुंफा गोटे है नड़ी गुंफा गोटे है विचार बट गोटे है माँ अंबिकाई पीठ गोटे है आमर तारेश्वर शुभलिंग आ गोटे है पंचुपांडव यहीपर जिते अच्छा पीठ शनिग्रह मालिकार पीठ एटी कौन कलिजुगर शेष लीला खेला हम से किसी मालिका लिखा अच्छी किंतु जिते पूर्वे आम जानसु एवं कौन हम आम तो विषय जानू पूर्वे आमर थिला कि पांडव माने अज्ञातवास ये आम गणसरपुस्थित जगार से करते कौन ना पंचुपांड बोली गोटे जगह अच्छी पांचटी मंदिर थिला मझीरे नारायण रही पंचुमा पांच भाई थी सीए जा जो जो तारेश्वर शुभलिंग ताखे से पूजा अर्चना किए कुंती निजे जाए 108 स्वर्ण चंपा चढ़ते प्रत्येक दिन लोकलोचन को जिते आसीगला से जान लें लोकलोचन को आसीगला से मैंने कौन कले ना पलिगले से पीठटी पड़ रहा आम जानलु ये पूर्वे पंचुपांडव मैंने आस स्थापन करते टांगी में जमी आमर किचक उड़ा अच्छी चौदार अच्छी सेना यही आम जानूचे मालिका पीठ से बाहर लोक थे बहुत बहुत धन्यवाद आम सहित आउ जड़े भाईना अच्छा भाईना आपको स्वागत आम ग्रेट ओडिशा चैनल को ये जो पीठटी अच्छी शनि महाराज विराजमान करबार पूजा कर परिचय भी तो पूजा कल आसिक 40 वर्ष होगा सरल शतपथी
ଆପଣ ନିଜସ୍ୱ କ'ଣ ଅନୁଭବ ରହିଛି? ନିଜସ୍ୱ ଅନୁଭବ ଅଛି, ମୋ ପୁଅଟି ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା, ମୋତେ କଟକ ମେଡ଼ିକାଲରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି, ମୋତେ କହିଲେ ଆ ଦେହ ବହୁତ ସାଙ୍ଘାତିକ ହେଇଛି, ଅମକ ହେଇଛି, ସମକ ହେଇଛି, ସମକ ହେଇଛି, ପେଟରେ ଘା ପାଇଯାଇଛି, ସେ କହିଲେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେନ୍ସ ହେଇଗଲି, ସେନ୍ସ ହେବା ଭିତରେ ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଡାକିଲି, ପ୍ରଭୁ ମୋ ପୁଅର କିଛି ନ ହୋଇଥାଉ, ନ ହୋଇଥାଉ, ସେଠୁ କହି ସେଠୁ ଘରକୁ ନେଇଯାଇଲି। ଘର ସେ ପୁଅ ଲେଖିଥିଲା ଯେ ମୋତେ ସମ ଅନ୍ୟ ହଷ୍ଟେଲ ନେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ। ମୁଁ ସମ ହଷ୍ଟେଲ ନେଇଗଲି, ସମସ୍ତେ ସଙ୍ଗେ ସବୁ ଡାକିଲି, ପ୍ରଭୁ ମୋ ପୁଅର କିଛି ନ ହୋଇଥାଉ, ଯଦି ତୁମକୁ ସେବା କରୁଥିବି ମୋ ପୁଅର କିଛି ହେବନି। ସେ ଡକ୍ଟର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ପହଞ୍ଚିଲି, ସେ ଡକ୍ଟର ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ମଉସା ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛ କାହିଁକି? ମୁଁ କହିଲା ଏମିତି ସେ ଡାକ୍ତର ହାବଡ଼ ବୋଲି ସେ ଏମିତି ଆମ ବେଳିକି ଦେଖେଇଲା, ସେଗଲା ସେଗଲା 10-15 ଚାରି ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଆଉ ଏତେ ଲକ୍ଷ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ତୁମେ ଆସି ଅପରେସନ୍ କର, ସେଗଲା ସେଗର ସେ ଡାକ୍ତର ଦେଖିଥିଲା, ସେ ପରିବା ଭଲ କରିଦେଲେ, ପରିବା କଲେ କହିଲେ ମଉସା ତୁମ ପୁଅର କିଛି ହେଇନି। ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଡାକିଲି, ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପୁଅର କିଛି ନ ହୋଇଥିବ, ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ସେମିତି ଜାଣିଛି ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବତା। କେବେ କିଛି ଆପଣ ନିଜେ ଅଲୌକିକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏ ସ୍ଥାନରେ? ହଁ, ନିଜେ ଦେଖିଛୁ, ଅନ୍ଧାର ଯିବା ଆସିବା ଲୋକ କରିବା, ଲୋକ କରିବା କରିବା, ଆମେ ବଡ଼ ଭୟଭୀତ ଲୋକ ଆବାଜ ଶୁଭିବା, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କେହି କିଛି କ୍ଷତି କରିନି। ଆଉ ଏ ଆମ୍ବ ଗଛ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମ୍ବ ଗଛଟି ସେ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବ ଗଛ ନୁହଁ, ତିନୋଟି ଆମ୍ବ ଗଛ, ତିନୋଟି ଆମ୍ବ ଗଛ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ତିନୋଟି ଫଳ ଫଳ ବୁଲୁଛି, ତିନୋଟି ଫଳ, ତିନି ପ୍ରକାର, ତିନି ପ୍ରକାର ଫଳ। ଏଇଟା କେବେ ଭାଙ୍ଗିନି କି ଗାଁରେ କ୍ଷତି କରିନି? ବାତ୍ୟା ହେଲା, ଗଛ ଗୋଟେ ଡାଳ କି ପୁରା ପତ୍ର ପଡ଼ିନି। ମାନେ ଆମ୍ବ ଗଛଟି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କି ଆମ୍ବ, ତିନୋଟି ଆମ୍ବ ଗଛ କିନ୍ତୁ ତିନି ପ୍ରକାର ଫଳ ହେଉଛି, ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବ ଗଛ, ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ହେଇଯାଇଛି ଗଛ କିନ୍ତୁ ତିନି ପ୍ରକାର ଫଳ ଫଳୁଛି, ଆମ୍ବ ହିଁ ଫଳୁଛି ତିନି ପ୍ରକାର, ଆମ୍ବ ଗୋଟା ସେଟା ଗୋଟେ ଆମ୍ବ, ସେଟା ଆମ୍ବ ଗୋଟା, ତିନିଟା ଆମ୍ବ ଫଳୁଛି। ଦର୍ଶବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ, ତିନିଟି ଗଛ ଗୋଟିଏ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ସେଇ ବୃକ୍ଷରୁ ତିନି ପ୍ରକାର ଫଳ ଫଳୁଛି, ମାନେ ତିନୋଟି ଆମ୍ବ ହିଁ ଫଳୁଛି, ହେତ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ? ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବି ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ଥିଲା ଠାକୁରଙ୍କର, ଜଣେ ସବରପଲ୍ଲୀରୁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆସିଥିଲା, କହିଲା ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଲିଆ ପଡ଼ିବୁ। ଆମେ କହିଲୁ ତୁମର କାନୁନ ନାହିଁ କି ତୁମକୁ ଘର ଭିତରେ ପୁରେଇବା, ଆମେ ତାଲା ଦେଇ ପଡ଼ିବୁ ତୁମେ ବାହାରିବ କେମିତି? ସେ କହିଲା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯାହା କର। ସେଠୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ହଉ ରହୁ, ବୁଢ଼ୀ ଲୋକଟା ରହୁ ତା ଭିତରେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ରହିଲା ଆମେ କହିଲୁ କି ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଯିବ ଆମକୁ ପଚାରିକି ଯିବ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କର ଇଏ ଅଛି, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ କହିବ। 21 ଦିନ ଭିତରେ ସେ କିଛି ଖାଇନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଠାକୁର ପ୍ରସାଦ ଦେବୁ ସେଥିରେ ପାଇବ ପାଇବ, କିନ୍ତୁ 21 ଦିନ ସେ ଅନୁଭବ କରିନି କି ମୁଁ ଭୋକିଲା ଅଛି। ଯେଉଁଦିନ 21 ଦିନ ପରେ ତା ପୂରଣ ହୁଏ, ସେ କହିଲା ଠାକୁରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଲେ ତୋ ପୁଅ ଯାହା ଭଲ ହୋଇଗଲା, ତୁ ଏଠି ପଢ଼ନା, ଆଉ ନନାମାନେ କହିକିରି ଯିବୁ ଯେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମୋ ପୁଅ ଭଲ ହୋଇଗଲା ଯିବି, କିନ୍ତୁ ତା ପୁଅ ଭଲ ହୋଇଗଲା, ସେ ଆରାମ ମାନେ 21 ଦିନ ପରେ ସେ ଘରକୁ ଗଲା, ଆମମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଅନୁମତି ନେଇଗଲା। ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ଅଛି, କାହିଁକିନା 21 ଦିନ ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ବଞ୍ଚିବ ତା ଅସମ୍ଭବ, ସେବା କରୁଛି ଠାକୁରଙ୍କର ସେ। ମାନେ ଆପଣ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଜଡ଼ିତ ବି ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ନିଜେ ଆପଣ କେବେ କିଛି ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ଆମର ତ ଏଇ ଶକ୍ତି ହେଲା, ଏଇ ଧର ବୁଢ଼ୀ ଦଳ ପଡ଼ିଗଲା, ସେ ଠାକୁର ଆସି ଠାକୁର ଉଠେଇଲେ କହିଲେ, ଏଇଟା ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି। ଆପଣ ନିଜ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରୁ କେବେ କିଛି ଦେଖ? ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ମିଛ କହିକି ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁରେ କାହିଁ କହ, ଆମେ ଯାହା ଏଇ ଯେଉଁ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଭକ୍ତ ଜଣଙ୍କଠୁ, ସେମାନେ ଯାହା କହନ୍ତି ଆମର ଭକ୍ତ ଯେ ଆମେ ଉପରକୁ ହେଉଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ହେଉଛି କଥା। ଆଉ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ପୀଠରୁ ସେମିତି କିଛି ଆପଣ ନିଜର ଅନୁଭବ କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି? ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସେ ଗୁଆଟି ବସେଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ତୁମେ ଗୁଆ ବସା, ତୁମର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ସେ ଭକ୍ତର ନିଶ୍ଚିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି, ସେ ଆସି କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆମର ଭଲ ହେଉଛି। ଶେଷ ବାର୍ତ୍ତାଟି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ଆପଣ କ'ଣ ସମାଜକୁ କହିବେ ଏବଂ ଜଣେ ଯଦି ଭକ୍ତ ଆସିବାକୁ ଚାହିଁବ କିପରି ଆସିପାରିବ, କଟକରୁ ଜଣେ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଜଗତସିଂହପୁର ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କିପରି ଆସିବ ଏବଂ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ ଏଇ ପୀଠର ବିଷୟରେ? ଆମେ କ'ଣ କରୁନା, ଏ ହେଉଛି ଶନିଶ୍ଚର ପୀଠ, କୌଣସି ଭକ୍ତ ଆସିକି ତାର ଆଶା ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ବୋଲି ତାହା ନାହିଁ, ତାହା ପୂରଣ ହୋଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହିବୁ ଯେ ଏ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଆପଣ ଆସି ଏ ଶନିଶ୍ଚରଙ୍କ ପୀଠରେ ନିଜର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଣାଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ନିଶ୍ଚୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଭାଇନା, ଏଠି ଯେଉଁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ଏଠି ଯେଉଁ ଦୈନିକ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ହୁଏ ଆଉ ଦୈନିକ ନୀତିକାନ୍ତି କ'ଣ କରାଯାଏ? ବୋଲି ସକାଳୁ ବାଲ୍ୟଭୋଗ, ଖରାବେଳକୁ ସେଇ ବାଲ୍ୟଭୋଗ, ଆମର 4ଟା ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ କାକର ଆଳତୀ, ସନ୍ଧ୍ୟାଳତୀ। ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ କ'ଣ? ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଆମର ଚୈତି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯିବାବେଳେ ଗୋଟେ ପାଳି ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର 5 ପାଳି ଆମର ଗୋଟା ହେବ, ମାନେ ଠାକୁର ଆସିବା ଯେଉଁ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ଆସିବେ ଭୋଗରାଗ କରି ଆସିବେ, ସେ ଗୋଟେ ଠାକୁର ଠାକୁର ଗୋଟେ ଅଛି, ଠାକୁର ଗୋଟେ ନେଇକି ଗୁଆ
गुआ मानस गुआ अच्छी से गुआ नहीं प्रति वर्ष आसवे आसला पांच पाली एमती हम आम वैशाख मस अक्षर जो शनिवार पड़ो से शनिवार बढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद भाईना आपन को भी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शक बंधु आपण मानक आम कही रखुचु एक पवित्र पीठ अलौकिक महिमा भरा अच्छा शनिदेव स्थान में विराजमान करू विराजमान करमुखे आम सबकि रखिलु ये पीठर दर्शन कराइलु शनिदेव दर्शन कराइलु भाईना आपन को जो पूजक थे से के सुंदर बार्ता दे शनिदेव विषय में कहले आम आपको अनुरोध करुच आपने पवित्र स्थान को आसतु शनिदेव दर्शन करती कृपा सानिध्य लाभ करते। जय जगन्नाथ जय पंचसुखा जय ओडिशा।